दोस्तों आज फिर से लेकर आए हैं नोकिया के न्यू स्मार्टफोन नोकिया बीटेक प्रोम एक्स। पहले इसके फीचर्स और डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलता रहे। मोबाइल बाजार में नोकिया का सबसे ज्यादा नाम है और 5G आते ही नोकिया का नाम सर आंखों पर हो जाता है, क्योंकि ग्राहक को केवल नोकिया मोबाइल पर ही भरोसा होता है, जो बेहद ही कम दामों में अच्छे स्मार्टफोन बनाता है। इसके पावरफुल कैमरा और फीचर्स ग्राहक को काफी आकर्षक बनाता है। तो अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे। इसमें आपको 6.9 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 हर्ट्ज रिफरेंस रेट के साथ आता है, और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर इस मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 12 सिस्टम देखने को मिल जाता है, और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस 5G चीपेस्ट पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर मोबाइल की रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 12GB और 16GB रैम के साथ 128GB और 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे। इस मोबाइल की सबसे पावरफुल कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको पीछे की तरह 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जिसका मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का होगा और 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर कैमरा देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसकी सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफी बेटर परफॉर्मेंस करने वाला है। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसके अंदर आपको 8000 की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अगर इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो इसके प्राइस अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजार में इसकी कीमत लगभग आपको 30,000 हो सकती है। अभी इसकी लॉन्च डेट बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस फोन के फीचर्स और डिटेल आपको कैसा लगा।